नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 100 न्यूज। कर्नल हॉस्पिटल पर छापा, पकड़ी गई कई बड़ी खामियां। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर स्थित कर्नल हॉस्पिटल पर आज जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्यवाही रही, जिसमें खामियां मिलने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की। गौरतलब है कि रूड़की के कर्नल अस्पताल के डॉक्टर अदनान मसूद के हॉस्पिटल की कोविड काल में शिकायत मिल रही थी। अस्पताल पर आरोप था कि मरीजों से उपचार के नाम मोटी रकम वसूली जा रही है, जिसको स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। इस दौरान जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन की टीम ने बिजोली गांव के एक मरीज के साथ अस्पताल डॉक्टर के बयान भी दर्ज किए। जिला प्रशासन की इस कार्यवाही से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच रहा है। आपको बता दें कि बिना कोरोना की जांच कराए बिना ही मरीज को कोविड का इलाज दिया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक 5 दिन में 3 लाख रुपए से ऊपर की रकम उसने वसूली है, उसके बाद भी मरीज नहीं बच सका, जिसके बाद परिजनों ने जिला प्रशासन को शिकायत की मौके पर पहुंचने की। डीएम सीएमओ और जॉइंट मजिस्ट्रेट ने छापा मारा और जो जो खामियां पाई गईं उसी के आधार पर फिलहाल अस्पताल में कोई भी नया मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा और जो मरीज अस्पताल में भर्ती है सिर्फ उन्हीं का इलाज किया जाना है। ओपीडी को सील किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने बताया कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मीडिया 100 न्यूज रुड़की से सुभाष गिरी की रिपोर्ट। कई प्रकार का जो है अनियमितताएं हो रहा है, शिकायत मिला है। फिलहाल मेनली कोविड पेशेंट्स का जो है जो प्रॉपर तरीके से जो है ट्रीटमेंट नहीं हो रहा करके एक शिकायत प्राप्त हुआ है। इसका अभी आज हमने छापेमारी किया था। एपिडेमिक डिसीजेस कंट्रोल एक्ट में और कोविड गाइडलाइंस जो जारी हुआ था, कोविड रेगुलेशन जारी हुआ था, उसमें मल्टीपल डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट के ओर से, ICMR के ओर से, एम्स के ओर से, जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दों पर जो है निर्णय हुआ है। गुप्त आदेशों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है, तो यहाँ पे उसका पालन नहीं होने का पुष्टि कई मुद्दों पर हो रही है। ये जो ओवर चार्जिंग का भी एक मुद्दा है, उसका भी जो है पुष्टि हुई है। इस प्रकार के मल्टीपल मुद्दे हैं, मतलब अभी पूरा कार्रवाई जो है गतिमान है। पूरा एंटायर कार्रवाई करने के बाद उचित धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा और सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी। पर यहाँ पर वही कह रहा था, मल्टीपल वायलेशंस है यहाँ पे और ओवर चार्जिंग का जो शिकायत है उसका पुष्टि हुई है। अभी जो है अभी वैसे मैं कंप्लीट जांच के बाद वो जो है पूरा डिस्क्लोज करेंगे कौन कौन सा धारा को काटा है। हाँ, सील करेंगे। वर्तमान में जो पेशेंट्स हैं उनको जो है रखते हुए जो है बाकी कोई नया एंट्री यहाँ नहीं होगा। तो आज के डेट में जो है वो जितने पेशेंट्स हैं उनका डिस्चार्ज होने तक वो संचालित रहेगा, तब तक के लिए बाकी लोगों के लिए तो ये सील रहेगा।